नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने निबंधों की बात की थी, आज समालोचना की बात करेंगे। इसके पहले हमेशा की तरह आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आपका समय देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं समालोचना। समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण दोष विवेचन भी समझा जाता। संस्कृत साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह था कि जब कोई आचार्य या साहित्य मीमांस कोई नया लक्षण ग्रंथ लिखता था, तब जिन काव्य रचनाओं को वो उत्कृष्ट समझता था, उन्हें रस, अलंकार आदि के उदाहरणों के अनुरूप उदाहरणों के रूप में उद्धृत करता था, और जिन्हें वे पुष्ट समझता था उनके दोषों को उन्हें दोषों के उदाहरण में देता था, है ना। फिर जिसे उसकी राय पसंद नापसंद होती थी, वह उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पद्यों में दोष दिखाता था और बुरे ठहराए हुए पद्यों के दोष का परिहार करता था। इसके अतिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य समालोचना का होता है, अर्थात कवियों की अलग अलग विशेषताओं का दिग्दर्शन, उसकी पूर्ति किसी कवि की स्तुति में एक श्लोक बद उक्तियां कहकर ये लोग संतोष मान लिया करते, है ना। मतलब कुल मिला के ये व्यक्तिगत हो जाता था कि किसी को अगर उस किसी की रचना अच्छी लगी तो उसकी तारीफ करती, दूसरा उसी का खंडन करता था। मतलब कुल मिला के खंडन मंडन की प्रवृत्ति कही जा सकती है। उदाहरण, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तसु प्रीति मधु संद्रासु मंजरीसु वा जायते। उपमा कालिदासस्य भार्वे अर्थ गौरवम नैसदो पर पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुण। ये प्रश्न भी आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए, शुक्ल जी की बुक में, शुक्ल जी की पुस्तक में आपको ये भी, इसका भी उत्तर मिल जाए। किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ ना थी। यूरोप में इसकी चाल खूब चली, मतलब वहां ऐसा होता था। वहां समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया, है ना। यहाँ पे क्या था, काव्य सिद्धांत के निरूपण के साथ में कवियों की, लेखकों की आलोचना समालोचना कर दी जाती थी, लेकिन वहां पे, मतलब यूरोप में, ये एक अलग विषय मान लिया गया था, अलग विषय बना दिया गया। केवल गुण दोष दिखाने वाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े दिनों ही रहती थी, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने वाले, उसकी विचारधारा डूब कर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन करने वाली पुस्तक, जिसमें गुण दोष का कथन भी आ जाता था और स्थायी साहित्य में स्थान पाती। समालोचना के दो प्रधान मार्ग होते हैं, एक निर्णयात्मक यानी जुडिशियल मेथड और दूसरा व्याख्यात्मक यानी इंडक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। निर्णयात्मक आलोचना किसी रचना के गुण दोष निरूपित कर उसका मूल्य निर्धारित करती थी। नाम से ही आपको पता चल रहा है निर्णयात्मक, जिसमें कहीं ना कहीं निर्णय की स्थिति होती है, मतलब मूल्य खुद ही निर्धारित कर दिया। उसमें लेखक या कवि की कहीं प्रशंसा होती थी, कहीं निंदा। व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उसका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण कर ये मूल्य निर्धारित करने नहीं जाती। ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य वस्तु तक ही परिमित होती है, अर्थात उसी के अंग प्रत्यंग की विशेषताओं को ढूंढ निकालने और भागों का व्यवच्छेदात्मक व्याख्या करने में तत्पर है। इस व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति आदि का प्रभाव। ऐसी समीक्षा को ऐतिहासिक समीक्षा या हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं।
इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध और उसका साहित्य की चली आती हुई परंपरा में क्या स्थान है। वाह पद्धति के अंतर्गत ही कवि अपने जीवन क्रम और स्वभाव आदि का अध्ययन के द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी है, जिसे मनोवैज्ञानिक आलोचना या साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान आदि की दृष्टि से समालोचना और भी कई समालोचना के और भी कई पद्धतियां हो सकती हैं। और इस प्रकार की समालोचना का स्वरूप का विकास यूरोप में हुआ। केवल निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है, मतलब खत्म हो गई है अब लगभग। अपनी भली बुरी रुचि के अनुसार कवियों की श्रेणी बांधना, उन्हें नंबर देना अब एक बेहुदा बात समझी जाती है। अब इसको अब अच्छा समझा नहीं जाता है किसे निर्णयात्मक आलोचना। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे हिंदी साहित्य में समालोचना पहले पहल केवल गुड़दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई। लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ। समालोचना में का सूत्रपात लेखों के रूप में कब हुआ? हरिश्चंद्र के समय। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी ने अपनी आनंद कादंबरी में शुरू। ठीक, लाला श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया था, उक्त पत्रिका में लिखी, जिसमें आनंद कादंबरी। पर किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेन के समय में ना लिखी। इस प्रकार पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना थी। जो पहली हिंदी पुलिस पुस्तक थी वो कालिदास की आलोचना थी, जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में थी। एक पुस्तकाकार आलोचना हिंदी में प्रथम निकली द्वितीय उत्थान काल की शुरुआत में कालिदास की आलोचना के रूप में द्विवेदी जी के द्वारा। इसमें लाला सीताराम बीए के अनुवाद किए हुए नाटकों की भाषा तथा भाव संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए। यह अनुवादों की आलोचना थी, अतः भाषा की त्रुटियां और मूल भाव का विपर्य आदि के आगे जा ही नहीं सकती। दूसरी बात यह कि इसमें दोषों का ही उल्लेख हो सका, गुण ढूंढे गए। दरअसल द्विवेदी जी ने ज्यादातर क्या किया था, भाषा का ही परिष्कार किया था, उसी को परिमार्जित किया था, और कहीं ना कहीं ये आलोचना भी उसी के आसपास आप समझ सकते हैं कि घूम रही थी, जिसमें भाषा की त्रुटियों का, उसके मतलब किन्हीं चीजों का ध्यान में रखकर किया गया और इसी लगभग इसी के संबंधित दोषों का वर्णन किया गया, लेकिन गुणों का वर्णन इसमें नहीं हुआ। इसके उपरांत द्विवेदी जी ने कुछ संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग की अर्थात विशेषता परिचायक समीक्षाएं भी निकाली। इस प्रकार की पुस्तकों में विक्रमांक देव चरित चर्चा और नैसर चरित चर्चा मुख्य है। इसमें कुछ तो पंडित मंडली के प्रचलित रूढ़ी के अनुसार चुने हुए श्लोकों की खूबियों पर साधुवाद है, जैसे क्या उत्तम उत्प्रेक्षण और कुछ भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों का संग्रह। इस प्रकार की पुस्तक से संस्कृत ना जानने वाले हिंदी पाठकों को दो तरह की जानकारी हासिल होती है। जो संस्कृत नहीं जानते थे उनको इस पुस्तक से दो तरह की जानकारी हासिल होती है कि संस्कृत के किसी कवि की कविता किस ढंग की है और वह पंडितों और विद्वानों के बीच में कैसी समझी जाती है। ये दो बातें की जानकारी इससे मिलती। तो पहली पुस्तक जो थी उसको आपने समझा, दूसरी पुस्तक को समझा, अब द्विवेदी जी की तीसरी पुस्तक कालिदास की निरंकुशता में भाषा और व्याकरण के वे बड़े व्यतिक्रम इकट्ठा किए गए हैं, जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते थे।
यह पुस्तक हिंदी वालों या संस्कृत वालों के फायदे के लिए लिखी गई थी। ये ठीक ठीक नहीं समझ पड़ता, मतलब ये नहीं समझ आता है कि हिंदी वालों के लिए थी या संस्कृत वालों के लिए, किसके फायदे के लिए। जो हो, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने का प्रयत्न के रूप में ही समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। मतलब संस्कृत में लगभग ये चीजें थी, उनको हिंदी में कर दिया गया, मतलब एक मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले तक फैला दी गई, कुछ नया नहीं था, कोई स्वतंत्र आलोचना इसको नहीं कहा जा सकता। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य पर बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकी। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए, उनके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना अब सुधार किया। एक बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसके काल की भाषा से व्याकरण सम्मत नहीं थी, सुभाषेंदु काल, भारतेंदु युग और अपना द्विवेदी युग, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपको ये समझना चाहिए कि भाषा परिष्कृत और परिमार्जित द्विवेदी युग में हुई, इसके पहले उसमें व्याकरणिक दोष पाए जाते। कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह मिश्रबंध विनोद तैयार करने से पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी रत्नवृत्त नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक जरूरी काम किया, उस पर उनकी बातें समालोचना कही जा सकती है या नहीं ये दूसरी बात। मतलब उन्होंने ये काम तो किया कि उन्होंने हिंदी के जो पुराने लेखक थे उनको सामने लेकर आए, उनको फ्रंट पे लेके आए, लेकिन उनकी बातों को समालोचना कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए ये एक अलग विषय हो जाता है। रीति काल के भीतर ये सूचित किया जा चुका है कि हिंदी में साहित्य शास्त्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ। हिंदी के रीति ग्रंथों के अभ्यास से लक्षण व्यंजना रस आदि के वास्तविक स्वरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती। गविता की समालोचना के लिए यह धारणा कितनी आवश्यक है ये कहने की जरूरत नहीं। इसके अतिरिक्त उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के लिए विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म अन्वेषण, बुद्धि और मर्म ग्राहिणी प्रज्ञा अपेक्षित। कर्म प्रत्यय नहीं माने ऐसे वाक्यों को लेकर ये जाहिर करना कि तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते पर शून्य दो चार स्थानों पर कृष्ण के कामों की निंदा भी की है, साहित्य मर्मज्ञों के निकट क्या समझा जाए। सूरदास प्रभु वे अधिक पोते कर्म प्रत्यय ना माने ऐसे वाक्य पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा वह जान लेगा कि कृष्ण ना तो वास्तव में खोटे कहे गए हैं और ना काले कलुटिक कृतघ्न। पहला वाक्य सखी भी की विनोद परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं, मतलब मजाक जिसको हम लोग आज बोलते हैं, मजाक करते हुए या खास परिहास करते हुए वाक्य कहे गए हैं, आक्षेप नहीं लगाया गया। सखी का ये विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है जो उस सखी का राधा कृष्ण के प्रति प्रतिभाव व्यंजित करता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य विरह कुल गोपी का वचन है जिससे कुछ विनोद मिश्रित अमर्ष व्यंजित होता है। ये अमर्ष या विप्रलम्ब श्रृंगार में रति भाव का ही व्यंजक है। इसी प्रकार कुछ दैन्य भाव के उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी की खुशामती कहे गए, तुलसीदास जी खुशामती कहे गए। देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिहारी में बिना दोष के दोष ढूंढे गए हैं। संक्रोण को संक्रांति का संक्रमण का ध्यान कैसे जा सकता है।
अपभ्रंश समझ आप लोगों ने उसे बहुत बिगड़ा हुआ शब्द माना है। रोज शब्द रुलाई के अर्थ में कबीर जायसी आदि पुराने कवियों ने न जाने कितनी जगह पर आया है और आगरे आदि के आसपास अब तक बोला जाता है, पर वह भी रोजा समझा गया। इस प्रकार बेसर पैर की बातों से पुस्तक भरी है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसको वास्तव में समालोचना समझना चाहिए कि नहीं ये एक अलग विषय है। हालांकि उन्होंने पुराने कवियों को सामने लाने का एक बड़ा काम। कवि की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा में जो इसे खोलेगा वह निराश ही होगा। इसके उपरांत पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी पर एक अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक निकाली। उसमें उस साहित्य परंपरा का बहुत ही अच्छा उद्घाटन जिसके अनुसार अनुसरण पर बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध सत्साई की रचना की। आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोहों का पूरा पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़े विद्वता के साथ एक चली आती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी को रख दिखाया। किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीक्षा का एक भारी कर्तव्य है। हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्यों की बिहारी के दोहों के साथ तुलना करके शर्मा जी ने तुलनात्मक आलोचना का शौक पैदा किया। इस पुस्तक में शर्मा जी ने उन आक्षेपों का भी बहुत कुछ परिहार किया जो देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी पर किए गए थे। हो सकता है कि शर्मा जी ने बहुत स्थानों पर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया वह अनूठे ढंग से किया। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है ना? यहाँ पर यह बात सूचित कर देना आवश्यक है कि शर्मा जी की यह समीक्षा रूढ़िगत यानी कन्वेंशनल दूसरे श्रृंगारी कवियों से अलग करने वाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतः प्रकृतियों का उद्घाटन जो दूसरी आधुनिक समालोचनाओं का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है प्रयत्न इसमें नहीं। एक खटकने वाली बात है, बिना जरूरत जगह जगह चुगलबाजी और शाबाशी की महफिली दर्ज, ये थोड़ा सा खटकता है। शर्मा जी की पुस्तक से दो बातें हुई, एक तो देव पड़े की बिहारी का भद्दा झगड़ा सामने आ गया और दूसरा तुलनात्मक समालोचना के पीछे लोग बेतरह पड़ गए। मतलब दो नई चीजों का प्रचलन शर्मा जी की पुस्तक से शुरू हुआ, एक तो देव और बिहारी का झगड़ा शुरू हो गया कि देव बड़े या बिहारी, और दूसरा तुलनात्मक समालोचना के पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए। मतलब ज्यादातर लोगों ने इसको लिखने का इसको करने का प्रयत्न किया। देव और बिहारी के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र बीए LLB की मैदान में आई। इस पुस्तक में बड़ी शिष्टता सभ्यता और मार्मिकता के साथ दोनों कवियों ने भिन्न भिन्न रचनाओं का मिलान किया गया है। इसमें जो बातें कही गई हैं वो बहुत कुछ साहित्यिक विवेचन के साथ कही गई, नवरत्न की तरह यूं ही नहीं कही गई। वह पुरानी परिपाटी साहित्यिक समीक्षा के भीतर अच्छा स्थान पाने लगते हैं। ठीक है, मिश्र बंधुओं की अपेक्षा पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी की साहित्यिक आलोचना की कहीं अधिक आधिकारिक कहे जा सकते हैं। देव और बिहारी की उत्तर में लाला भगवान देव ने बिहारी और देव नाम की पुस्तक निकाली जिसमें उन्होंने मिश्र बंधुओं के भद्दे आक्षेपों का उचित शब्दों में जवाब देकर पंडित कृष्ण बिहारी का की बातों पर भी पूरा विचार किया। अच्छा हुआ कि छोटे बड़े के इस भद्दे झगड़े की ओर अधिक लोग आकर्षित नहीं हुए, ज्यादा लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब तुलनात्मक समालोचना की बात लीजिए, उसकी ओर लोगों का कुछ आकर्षण देखते ही बहुत लोगों ने तुलना को ही समालोचना का चरम लक्ष्य समझ लिया। मतलब कुछ लोग इधर आकृष्ट हुए तो सबने उसी को समझ लिया कि अब यही लक्ष्य, और पत्र पत्रिकाओं में इधर उधर भी
लगे भिन्न भिन्न कवियों के पद्यों को लेकर मिलाप करने लगे। यहाँ तक कि जिन दो पद्यों में वास्तव में कोई भाव साम्य भी नहीं था, कोई मेल ही नहीं था, उनमें भी बादरायण संबंध स्थापित करके लोग इस तुलनात्मक समालोचना के मैदान में उतरने का शौक जाहिर करने लगे। इसका असर कुछ समालोचकों पर भी पड़ा। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने जो मत्ति राम रत्नावली निकाली, उसकी भूमिका का आवश्यकता से अधिक अंश उन्होंने तुलनात्मक आलोचना को ही अर्पित कर दिया और बातों के लिए बहुत कम जगह रखी। द्वितीय उत्थान के भीतर समालोचना की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई, पर इसका स्वरूप प्रायः गुणगत यानी कन्वेंशनल ही रहा। कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन करने वाली उच्च बोध समालोचना का प्रारंभ कहा हुआ तृतीय उत्थान काल में जाकर हुआ। उसके बाद ये संदर्भ ग्रंथ दिए हुए हैं और इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा गद्य साहित्य की वर्तमान गति। जब सुखो जी ने ये पुस्तक लिखी उस समय जो गति चल रही थी यानी वर्तमान गति, जिसे उन्होंने तृतीय उत्थान काल कहा, संवत 1975 से लेकर अब उसकी बात होगी। ये प्रकरण 5 है और प्रकरण 5 में मुझे लगता है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तृतीय उत्थान काल का प्रकरण 5 हम अपने अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब ये जो इस समय हम पढ़ रहे हैं इसे आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बीच बीच से इनसे प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं, सीधे सीधे बात भी रख दी जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।